जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्सप्रेसमैन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा पुलिस में 6000 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं वैकेंसीज से संबंधित ए टू जेड डिटेल आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अगर इन भर्ती के लिए अप्लाई करना है दोस्तों, तो आपके लिए क्या करना होगा, जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है दोस्तों, वो 29 जून से 8 जुलाई 2024 के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। वैकेंसीज हैं दोस्तों 6000, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार दी गई है, पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। तो 5000 वैकेंसीज हैं दोस्तों मेल कैटेगरीज के लिए, जिसमें ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए 350 वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 100 वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन बीसी के लिए 100 वैकेंसीज एंड एक्स सर्विसमैन बीसी के लिए 150 वैकेंसीज शामिल हैं। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरी वन एंड टू, तो ये कैटेगरी वन एंड टू हैं, दोनों ही कांस्टेबल के लिए हैं। इनको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है दोस्तों 12th क्लास। अगर आप 10+2 पास हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और मैट्रिक यानी कि 10th क्लास में आपके पास में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। पे स्केल की बात करें दोस्तों, तो आपका पे स्केल होगा 21,700 और पे लेवल है 3। नेक्स्ट है दोस्तों एज लिमिट, तो 18 से 25 साल इसमें एज दी गई है, जो कि सिविल कैंडिडेट्स के लिए है। आपके लिए जो रिलैक्सेशन इन एज गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, उनके हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन आपके लिए एक पॉइंट ये है, मेन पॉइंट आपके लिए ये है, एज से आपको कोई मतलब नहीं है। द ब्रेक इन द सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यानी कि 1 जून 2024 इन विच इनरोलमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड शैल नॉट एक्सीड 4 ईयर्स एज पर रूल्स ऑफ पंजाब पुलिस 1934। तो जिस दिन आप डिस्चार्ज हुए थे उस दिन से लेके, मतलब आप रिटायर हुए थे, ठीक है, उस दिन से लेके 1 जून 2024 तक आपकी सर्विस का जो आपका जो गैप है वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एन एक्स सर्विसमैन हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। अगर आपने दोस्तों पहले ही कोई सर्विस जो है वो ज्वाइन कर रखी है, तो आप एक्स सर्विसमैन के कोटे के लिए एज पर रूल एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे कि आप ये देखिए, एन एक्स सर्विसमैन एज सुन एज ही ज्वाइंस एनी सिविल एम्प्लॉयमेंट शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग टू द कंसर्न एम्प्लॉयर अबाउट द डेट वाइज डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर वेरियस वैकेंसीज फॉर विच ही ऑब्लिक सी हैड अप्लाइड बिफोर द ज्वाइनिंग इन द इनिशियल सिविल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन करने से पहले, मतलब किसी भी सर्विस में आप जो काम कर रहे हैं उसको ज्वाइन करने के टाइम पे ही आपने, उससे पहले जो आपने एप्लीकेशन फिलअप की थी जिसमें आप भर्ती होना चाहते थे, अगर उन भर्ती में आप आगे जाकर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने उसके लिए दोस्तों एक अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको अपनी कंसर्न्ड एम्प्लॉयर एजेंसी के लिए देना होगा, जैसे ही आप इस वैकेंसीज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये सब कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों अपना एक आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई द कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिस्चार्ज बुक में से एक डॉक्यूमेंट जो है वो अप्लाई करते समय अपलोड करना होगा। बस इतना ही दोस्तों पॉइंट है इसमें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में मैंने पूरे पॉइंट कवर कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ओके। और इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए जो इनकी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, सॉरी, हरियाणा सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।